हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि यहाँ पर राउंड नंबर वन के बाद जितने भी टॉप कॉलेजेस है, जिसमें टॉप 5 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज या फिर टॉप 15 नंबर ऑफ कॉलेजेस भी ले लीजिए, तो सारी की सारी सीट्स है वो ऑल आउट हो चुकी है। तो क्या अब हमें राउंड नंबर 2 में ये सारी सीट्स के ऊपर एडमिशन मिलने के चांसेस है कि नहीं? यानी कि जिसके अंदर आप पर्टिकुलर ले लीजिए DAICT, निर्मा यूनिवर्सिटी, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, धर्मसिजी देसाई यूनिवर्सिटी, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, MSU, VGEC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी टॉप कॉलेजेस के अंदर क्या अब यहाँ पर आपको राउंड नंबर 2 में एडमिशन मिलने के चांस है कि नहीं? तो आंसर मैं सिंपली बोल दूं कि जी हाँ दोस्तों, आपके डेफिनेटली चांस बनते हैं यहाँ पर राउंड नंबर 2 में ये सारी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलने के। इसका रीजन मैं सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करें कि मान लीजिए कि यहाँ पर DAICT की कुल मिला के 150 नंबर ऑफ सीट्स है और 150 सीट्स में से राउंड नंबर 1 में सारी की सारी सीट के ऊपर अलॉटमेंट हो गया है रिजल्ट के बाद। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, 150 में से सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही यहाँ पर एडमिशन कंफर्म करेंगे। बाकी के यहाँ पर 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी बचे हैं ना, वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर जोसा काउंसिलिंग में राउंड नंबर 2 टाइम यहाँ पर क्या होता है, जोसा का भी पैरेलल प्रोसेस चलता है। तो अगर उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर IITs या फिर NITs में एडमिशन मिलता है तो फिर वहाँ पर वो एडमिशन कैंसिल कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे 10-15 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर अब्रॉड जाते होंगे जा रहे होंगे जो डायरेक्टली यहाँ पर बैचलर के लिए अब्रॉड जाते हैं, तो इसमें भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। तो इन शॉर्ट होता क्या है कि दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर 150 में से सिर्फ और सिर्फ 120 और 130 यानी कि अभी भी यहाँ पर 20-30 सीट्स राउंड नंबर 2 के लिए बचती है। इसके अंदर यहाँ पर दूसरी चार राउंड नंबर 2 के बाद यहाँ पर क्या होता है, IITs या फिर NITs के 5 राउंड होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि स्टूडेंट को राउंड नंबर 1 के अंदर DAICT ACPC में मिल गई है, बट जोसा के अंदर उसको यहाँ पर राउंड नंबर 1 और 2 के अंदर यहाँ पर नहीं मिला है, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर जो एडमिशन है वो कन्फर्म कर लेगा। बट यहाँ पर मान लीजिए कि जोसा के राउंड नंबर 3, 4, 5 के अंदर उसको यहाँ पर IITs में मिल गया, तो फिर यहाँ पर वो क्या करते हैं, तो फिर यहाँ पर वो जो स्टूडेंट होते हैं ACPC वाले, वो यहाँ पर एडमिशन विथड्रॉ कर लेंगे, तो और नंबर ऑफ सीट्स खाली हो जाएगी। तो इसकी मदद से यहाँ पर जो मैं इनशॉर्ट कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, एडमिशन विथड्रॉ कर देते हैं, या फिर यहाँ पर IITs में एडमिशन मिलने के कारण टोकन फीस पे नहीं करते हैं। तो इन सारे कारणों के चलते, इन सारे रीजंस के चलते यहाँ पर राउंड नंबर 2 के अंदर यहाँ पर आपको टॉप कॉलेजेस जैसे कि DAICT, निर्मा, PDU, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारी कॉलेज में आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलने के चांसेस है। इसके अलावा मैं ये एक और चीज़ इतनी गारंटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर DAICT में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है ना, उसके यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पर IITs और NITs के लिए भी क्वालिफाई कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर DAICT में सबसे पहले तो कट ऑफ देखिए ऑलमोस्ट 100 के आसपास ही यहाँ पर क्लोज होता है, तो यहाँ पर DAICT के सारे स्टूडेंट्स में JEE की एग्जाम्स भी दी होती है, और इसकी मदद से यहाँ पर उन लोगों के काफ़ी हाई चांसेस बनते हैं कि उसको यहाँ पर IITs और NITs में भी एडमिशन मिलने के चांसेस बनते हैं। जैसे उन स्टूडेंट्स के IITs और NITs में एडमिशन हो जाता है, वो यहाँ पर सीधा ACPC से एडमिशन है वो विथड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये स्टूडेंट्स IITs में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, सो या मैं फिर से एक बार आंसर कर दूं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3 के अंदर डेफिनेटली एडमिशन मिलने के चांसेस है टॉप 5 कॉलेजेस जैसे कि DAICT, निर्मा, LD, BVM एंड DDU, इन सारी कॉलेज में आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye-bye.